हेलो फ्रेंड्स, आज हम चिप्स बनाएंगे जिसको न धो सुखाना पड़ेगा कि 2-3 दिन धूप में दिखाना है कुछ। ये फटाफट से बन जाएगी और बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। तो ये देख सकते हैं, ये मैंने रेसिपी के लिए लिया है। तो ये 4 ही आलू से बना रही हूँ। आप इसे ज़्यादा बना के डिब्बे में बंद करके महीने भर अच्छे से खा सकते हैं। तो ये आलू ली हूँ, सबसे पहले इसको हम अच्छे से छीलेंगे। तो ये देख सकते हैं, ये मैंने अच्छे से इसको छिल के साफ़ कर लिया है। और आलू थोड़े अच्छे रहें और मीडियम रहें, न बहुत बड़े न छोटे, तो चिप्स बहुत अच्छी बनती है। और इसको हम एक भगोने में पानी लेंगे और काटेंगे और डालते जाएंगे। इस भगोने में हम सेंधा नमक डालेंगे ताकि अगर व्रत हो तो यूज़ कर सकें। तो बनाना शुरू करते हैं। तो ये मैंने सेंधा नमक लिया, पानी में डाल के रख लूँगी। अब चिप्स काटूँगी। तो इस तरह से हम इसको भगोने के ऊपर रखेंगे और चिप्स कटर से चिप्स काटेंगे। दिखाते हैं, पहले 2-4 दिखा दें आपको। तो ये देखिए, आप अगर प्लेन वाला नहीं पसंद करते हैं तो आप दूसरे साइड से काट लीजिए, क्योंकि हर चिप्स कटर में जो होता है 2 डिज़ाइंस बनी होती हैं। हम प्लेन पसंद करते हैं इसलिए प्लेन काट रहे हैं। तो इस तरह से हम सारा काट के रेडी करेंगे। तो देखिए, एक ही आलू में कितने सारे चिप्स तैयार हो गए हैं। अभी और काटेंगे। तो ये ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा जैसे बच जाता है क्योंकि हाथ में लगता है काटने में, तो इसको छोड़ दिया हमने। और ये देख सकते हैं, पूरा भगोना तैयार है हमारा भर के। तो अब इसको हम छोड़ देंगे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए, थोड़ा इसका स्टार्च निकल जाए। तो इस तरह से कॉटन का कपड़ा हम बिछा लेंगे जिस पे कि हम सुखाएं। हम किसी भी चीज़ में थाली पे फैला सकते हैं या हम किसी प्लास्टिक सीट पे फैला सकते हैं, जहाँ की इसे हवा लग पाए थोड़ी देर। तो एक एक करके हम इस तरह से इसको फैला लेंगे। हम एक एक करके पंखे के नीचे फैला देंगे 5-7 मिनट के लिए कि इसका पानी सूख जाए। बस पानी सुखाना है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये अच्छे से बिल्कुल सूख गया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो कढ़ाई में तेल अच्छे से गर्म होने देंगे। तो इसमें हम डालेंगे एक एक करके, जितना ऑयल है उसी हिसाब से। और इसको हम हाई फ्लेम पे ही तलेंगे, नहीं ये लूज़ हो जाएंगे। चिप्स करारे ही अच्छे लगते हैं। तो ये हो गए, निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारा रेडी करेंगे। इस तरह से इसको भी निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने करारे चिप्स हैं, आप देखिए। और ये चिप्स थोड़ी सुनहरी ही तली जाती है, नहीं तो फिर ये थोड़ी देर बाद लगेगा कि सॉफ्ट होने लगी, इसलिए सुनहरी तल के इसको आप रख सकते हैं स्टोर करके। तो इस तरह से हम सारा बना के रेडी कर लेंगे। तो मैं अभी थोड़े में ही नमक मिलाऊंगी। तो इसमें हम सबसे पहले प्लेन नमक यानी सादा नमक मिलाएंगे। आप चाट मसाला भी मिला सकते हैं, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा ये मिर्च का कुटा हुआ मिर्च। और इसको हम उछालते हुए मिला लेंगे। तो ये देख सकते हैं, बहुत फटाफट बिना धूप वाला हमारा आलू चिप्स बन के रेडी है। और आपको दिखाती हूँ एक बार फिर से कि कितना अच्छा बना हुआ है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये भी नहीं है, बस फ्लेम का ध्यान रखिए। तो बनाइए, और रेसिपी समझ में आए फ्रेंड्स तो लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।